उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो प्रदेश के सभी जनपदों में 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया गया है, वहीं गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर जनपद में कुल 45 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से 4 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। प्रत्येक पाली में 18,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर आज सुबह प्रथम पाली की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त देखने को मिली। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ होने की उम्मीद थी वह कहीं नजर नहीं आया। कारण के अभ्यर्थियों की परीक्षा गृह जनपद में होने के कारण आज भीड़ काफ़ी कम देखने को मिली। वहीं परीक्षा के लिए पूर्व सूचना के अनुसार 9:30 बजे तक सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री कराई गई। इसके पूर्व सभी अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर पर पहुंचे, जहां पर उन लोगों का प्रवेश पत्र स्कैनिंग कर और अभ्यर्थियों की फ़ोटो की स्कैनिंग कर उनका मिलान किया गया और जिन लोगों का सब कुछ सही पाया गया उन्हें तत्काल केंद्र के अंदर जाने दिया गया। वहीं जिनकी कुछ त्रुटि मिली उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर रोक दिया गया और भीड़ खत्म होने के बाद उन लोगों की पूरी तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद ही उन्हें अनुमति दी गई। पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू होने के पास जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक जनपद में चल रहे इस परीक्षा के मद्देनज़र परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा केंद्र के अंदर जाकर परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की परीक्षा पर निगरानी किया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जिला प्रशासन की तैयारियां पूर्ण रूप से पहले ही तैयार कर ली गई थी और अब पूरी परीक्षा CCTV कैमरे की जद में कराई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह परीक्षा CCTV कैमरे के अलावा सभी कैमरे में जैमर भी लगाया गया है ताकि कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डिवाइस का प्रयोग ना कर सके। पुलिस भर्ती परीक्षा अभी प्रारंभ हुई है प्रथम पाली की प्रथम दिन की और सभी जगह कुशलतापूर्वक चल रही है। मैं और SP साहब भ्रमण भी कर रहे हैं और हर जगह सभी परीक्षार्थियों की पहचान करके उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन करके CCTV से लैस कमरों में परीक्षा अच्छे से चल रही है और इसको शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। जनपद में कुल 45 सेंटर्स पे ये परीक्षा चल रही है। इसको निष्पक्ष पारदर्शी कराने के लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही कमर कसी हुई थी। हर सेंटर पे हमारे केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट, हमारा पुलिस ऑब्जर्वर और ये सभी लोग लगे हुए हैं। हर सेंटर पे हर कमरे में जैमर भी लगे हुए हैं और इसी के साथ साथ सारे कमरे, जैसा DM साहब ने बताया, CCTV से लैस हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सभी जो अभ्यर्थी आए हैं उनका मिलान करके ही बैठाया गया है और पूरे जनपद से सफल संपन्न हो चुकी है और उम्मीद है कि बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा पूरे जनपद में कराई जाएगी।